आसमान छूता ये जोश और गगन चूंबी ये नारे जो इस वक्त वहां लग रहे हैं, आप देश को नमन करते हैं। परेड की शुरुआत हो गई, परेड की शुरुआत हुआ। अब ये जो वुमेन कांस्टेबल्स है वो परेड करते हुए गेट तक जाएंगे और गेट के दोनों साइड में अपने आप को पोजिशन में रखेंगे। अब आप इनको, इनका जोश देखिए, इनका मार्चिंग का तरीका देखिए और ये कैसे जा करके अपने आप का, अपने आप को पोजीशन में रखते हैं। अब इनका पैर देखिए कहां तक गया, ये देखिए पैर उनके, ये है हमारा महिला दस्ता। ये जो देश है मेरा और ये जो महिला शक्ति है इस देश की, आज आसमान को छूते उनके कदम, उनकी ताकत, उनका शौर्य, देश का स्वाभिमान आज सरहद पर आंखें दिखा रहा है। देश का स्वाभिमान आज एक सख्त संदेश दे रहा है सरहद पर। ऐश्वर्या पालेवाल, अंजना आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, ये आवाज सुनिए, ये लोगों की आवाज है जो भारत, भारत माता की जय। और ये देखिए, ये गेट तक पहुंच चुके हैं बीएसएफ के जवान और सामने से पाकिस्तानी रेंजर्स अब सामने आ चुके हैं और ये कंपटीशन जो है वो चल रहा है दोनों के बीच कि कौन दोनों दो आए हुए ज्यादा बेहतर है। उनका पैर कहां तक गया, बेहतर कौन है? देखिए दोनों यहां पर हाथ उठा रहे हैं और अब यहां पे बीएसएफ जो है और वहां पे पाकिस्तानी रेंजर्स दोनों अपना अपना कार्य करते हुए और लोग जो है अंदाज में सब कुछ किया जाता है, बिल्कुल। लेकिन जो आक्रामकता है इसमें, देश पैदा हो जाता है इन लम्हों में, गवाही देता है उस जोश और आक्रामकता की जो हमारे बीएसएफ के जवान दिखाते हैं। और जोश भरने वाले आप मोटिवेटर अभिषेक दीक्षित को सुनी रहे हैं, झारखंड के गढ़वा के हैं। और जी जो लोग राष्ट्रवाद के नाम पर नाक भौं सिकोड़ लेते हैं उनको जा करके एक बार अटारी बॉर्डर ले गए कि क्या ह्यूमन इमोशंस होते हैं, राष्ट्रवाद को लेकर के क्या अंदर अंतरात्मा की कैसी एक उफान या आवाज निकलती है, वो यदि किसी को जानना हो तो बॉर्डर के किनारे एक बार जरूर सबको जाना चाहिए। ये मैं इसीलिए शुरू में कहा था, ये राष्ट्रीय तीर्थस्थल है अटारी बॉर्डर पे। जब आप जाते हैं तब आपको महत्व इस बात का दिखाई देता है कि आप किस शान से सोते हैं। अब जो है, अब जो है ये बीएसएफ का जो पैरेड दस्ता है वो अपना कार्रवाई करने के बिटवीन द रिट्रीट के लिए ये मेन जो परेड का दस्ता वो गेट तक जा रहा है और इनका मार्चिंग का तरीका देखिए, इनका बॉडी बिल्डिंग देखिए, इनका सफा देखिए और ये किस तरीके से जा रहे हैं, कैसा पोजीशन लेंगे, इसको देखते रहिए। ये जोश दिला रहे हैं, ये जोश दिला रहे हैं, इनका आंख देखिए, आंखों में ज्वाला जो आप कह रहे हैं, ज्वाला पूरा जल रहा है, जो पाकिस्तान को दिखा रहे हैं, बिल्कुल। ये देखिए इनका पैर कहां तक गया, ये भुजा दिखा रहे हैं कि मेरा भुजा कैसे, अब मुझे मुझे भी दिखा रहे, मुझे कहता हूं भी दिखा रहे हैं, साफा तो वैसे ही है, बिल्कुल। आंखों के भाषा में सीधा समझ लेते हैं पाकिस्तान रेंजर क्या बताना ही चाहते हैं। देशभक्ति का आता है और नारे गूंजते हुए पहुंचते हैं सरहद पार। नेहा, नेहा
अगर आवाज आ रही है तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि बिना कुछ बोले सिर्फ अपने अंदाज से, अपनी आंखों से, अपनी वेशभूषा से, अपने तौर तरीके से सरहद पार जो जो कहना है सब सुना रहे हैं। जी अंजना, मुझे आपकी आवाज आ रही है और इस समय हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। देखिए पीछे की तरफ आपको दिखाएंगे लोग कितने उत्साहित हैं। यहाँ पर लोगों के लोग चिल्ला रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, लोग टोपी पहन के आए हुए हैं, हिंदुस्तान के लोग खुश हैं। यहाँ पर तालियां बजाई जा रही है और अब धीरे धीरे करके जो बीटिंग रिट्रीट है वो आगे की तरफ खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। ये देखिए विजुअल्स जो आपको नजर आएंगे स्क्रीन पे इस समय अंजना, लोग देखिए पीछे की तरफ कचाकच भरा हुआ है स्टेडियम, लगभग 25,000 की सीटिंग है लेकिन अभी इस समय 60,000 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लोग खड़े हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है। देखिए बीएसएफ के जितने भी डिग्निटरीज हैं, बीएसएफ के जो डीजी हैं वो इस समय सल्यूट कर रहे हैं और अब धीरे धीरे करके ये बीटिंग रिट्रीट आगे बढ़ेगी। आवाज अगर आपको आ रही है अंजना, ये लोगों की आवाज है, ये आम हिंदुस्तानियों की आवाज है जो आपको सुनाई दे रही है। लोग इस समय तिरंगा लहरा रहे हैं वहां पर और भारत माता की जय से पूरा जो आसमान है, जो पूरा यहाँ पे जो इलाका है वो गूंज रहा है अंजना। और आज ये बहुत खास दिन है क्योंकि आज 75वां इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे मनाया जा रहा है। लोग पीछे की तरफ हैं, इंतजार हो रहा है कि बीटिंग रिट्रीट जब धीरे धीरे करके खत्म होगी तब ये देखिए यहाँ पे लोगों को उत्साहित किया जा रहा है कि आप और जोर से चिल्लाएं, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप भारत माता की जय के नारे लगाएं। और इस समय यहाँ पे जो माहौल है उससे साफ पता चल रहा है कि लोग कितने उत्सुक हैं 75वां इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। अंजना।